नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। तो दोस्तों, CSBC वैकेंसी का विज्ञापन संख्या 04/2019 परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही के पद पर जो वैकेंसी दी गई थी उसका फिजिकल एग्जाम 1 से लेकर 5 दिसंबर तक समाप्त हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं का फिजिकल एग्जाम जो 5 दिसंबर को हुआ है उसके बारे में आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। और आप सभी को बता दें कि फिजिकल एग्जाम जो 1 दिसंबर को हुआ था उसमें 37% बच्चे क्वालिफाई थे। दूसरे दिन 2 दिसंबर को 39% बच्चे फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई किए थे और तीसरे दिन फिजिकल एग्जाम में 41% बच्चे क्वालिफाई किए थे और 4 दिसंबर को 40% बच्चे फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई किए थे। और पांचवें दिन महिलाओं का फिजिकल में क्या हाल है इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने द एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग द एजुकेशन। तो दोस्तों, परिवहन विभाग के अंतर्गत चलन दस्ता सिपाही के पद पर जो वैकेंसी दी गई थी इसका फिजिकल एग्जाम 1 से लेकर 5 दिसंबर तक हुआ है और 5 दिसंबर को महिलाओं को फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया गया था। इस एग्जाम में महिलाओं का इस प्रकार हाल रहा है जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। और 1 से लेकर 4 दिसंबर तक टोटल 35 अभ्यर्थी को फर्जीवाड़ा के केस में पकड़ा गया है। 35 अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है, गिरोह का पता लगाया जा रहा है। और पांचवें दिन महिला अभ्यर्थी का फिजिकल एग्जाम में कोई भी अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा के केस में पकड़े नहीं गए हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ के अनुसार पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। सिपाही भर्ती के पांचवें दिन 41 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही को लेकर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के पांचवें दिन शनिवार को 102 महिला अभ्यर्थी ने भाग लिया है और अभ्यर्थी में से 53 दौर में असफलता हाथ लगी है, जबकि 49 अभ्यर्थी को सफलता हाथ लगी है। और फिर ऊंची कूद और गोला फेंकने में 1 अभ्यर्थी और सफल हुए हैं और 48 अभ्यर्थी सफलता पाई है। और ऊंचाई माप में 7 अभ्यर्थी और सफल हुए हैं, जबकि 41 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। यानी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विशेष कार्य पदाधिकारी के अनुसार सफल हुए 41 महिला अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। और गौरतलब है कि बीते 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलन दस्ता सिपाही के पद पर फिजिकल एग्जाम ली गई है। शनिवार को इसका अंतिम दिन था। वहीं 7 दिसंबर से बिहार पुलिस संगठन यानी कॉन्स्टेबल का फिजिकल एग्जाम परीक्षा पटना गर्दनीबाग मैदान में शुरू किया जाएगा। यानी 7 दिसंबर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का भी फिजिकल एग्जाम शुरू किया जाएगा। और पांचवें दिन जो महिलाओं का फिजिकल में पास करने का परसेंटेज की बात करें तो 40% महिला फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। यानी दोस्तों, इस बार की बात करें तो टोटल जो फिजिकल एग्जाम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक हुआ है चलन दस्ता सिपाही का, तो फिजिकल एग्जाम में लगभग बच्चे का क्वालिफाई करने का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। यानी पहले दिन 37% रहा था, दूसरे दिन 39%, तीसरे दिन 41% और चौथे दिन 40%। और महिलाओं का आज जो आप लोग देख सकते हैं 40% महिला फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों, टोटल जितनी भी वैकेंसी दी गई थी उसका 5 गुना बच्चे को फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया गया था। और बाकी इस वैकेंसी से संबंधित आगे आप लोगों को जानकारी देंगे कि इसका कट ऑफ कितनी जाएगी, टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।